हेलो फ्रेंड्स, तो आज की कहानी उस वक्त की है जब इंसान अर्थ को छोड़कर जा चुके हैं और सी एनिमल्स की सर्वाइवल पर भी सवाल खड़ा हो गया है। तो क्या वो खुद को इस मुसीबत से बचा पाएंगे? तो चलिए देखते हैं इस अमेजिंग स्टोरी में। तो मूवी के शुरू में हम देखते हैं कि अर्थ पर एक भयानक इकोलॉजिकल चेंज हुआ है जिससे सारे कॉन्टिनेंट्स पानी में डूब गए हैं और इनका जिम्मेदार है इंसान जो इस प्लेनेट को छोड़कर किसी और प्लेनेट पर जा बसा है। सी एनिमल्स की जान भी इस वजह से खतरे में आ गई थी, लेकिन क्रैकन नाम के स्क्विड ने उनमें से काफी एनिमल्स को बचा लिया और वो सब गहरे समुद्र में बनी एक गुफा में रहने लगे जो बाहर की दुनिया से कहीं ज्यादा सेफ थी। यही हम क्रैकन के ग्रैंडसन डीप को देखते हैं, जो इस केव की लाइफ से बोर हो चुका है और यहाँ से निकलकर बाहर की दुनिया को देखना चाहता है। क्रैकन उन्हें बहुत समझाता है कि बाहर की दुनिया बहुत ही खतरनाक है जहाँ उनके जैसे एनिमल सरवाइव नहीं कर सकते और इसीलिए वो कभी किसी को बाहर नहीं जाने देता। यही हम डीप के दोस्तों से मिलते हैं, ईवो नाम का एंगलर फिश और एलिस नाम की श्रिम्प, जिन्हें ना चाहते हुए भी डीप की शैतानियों में उसका साथ देना पड़ता है। डीप क्रैकन के प्रोटेक्टिव नेचर से बहुत परेशान है और उसे लगता है कि बूढ़ा होने के कारण वो कुछ ज्यादा ही डरने लगे हैं। लेकिन क्रैकन तो बस इतना चाहता है कि डीप आगे चलकर एक अच्छा लीडर बन सके जो उसके बाद इस कॉलोनी का ध्यान रख पाए। वो डीप के इकट्ठा किए हुए इंसानों के सामान को भी बाहर फेंक देता है और कहता है कि यहाँ हम सब एक टीम की तरह रहते हैं और तुम्हें भी काम में उनका हाथ बटाना चाहिए। फिर एक ब्लॉब फिश उसे केव की फिल्टर साफ करने को कहती है और डीप अपने साथ अपने दोस्तों को भी ले जाता है। वहाँ वो नजर बचाकर केव से बाहर आ जाते हैं और डीप देखता है कि वहाँ इंसानों का काफी सामान बिखरा हुआ है। इसी तरह मस्ती करते हुए उसकी नजर एक मिसाइल पर पड़ती है और वो अनजाने में उसे एक्टिवेट कर देता है। पहले तो वो उसे बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन देखते हैं कि इसकी स्पीड तो कंट्रोल से बाहर हो रही है और उनके कूदते ही मिसाइल सी फ्लोर पर जाकर ब्लास्ट हो जाती है। इससे उनकी केव ढहने लगती है और सी फ्लोर से लावा निकलकर केव में भरने लगता है। काफी सारे सी एनिमल्स मारे जाते हैं और क्रैकन बचे हुए एनिमल से बाहर भागने को कहता है, लेकिन तभी एक बड़ी सी चट्टान टूटकर उस रास्ते को बंद कर देती है और क्रैकन और वो एनिमल्स केव में ही ट्रैप हो जाते हैं। क्रैकन उस चट्टान को हटाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वेट ज्यादा होने के कारण वो लोग उसे नहीं हटा पाते और जल्दी ही हार मान जाते हैं। डीप अपने दादाजी से सॉरी बोलता है कि ये सब मेरी ही गलती है और मुझे आपकी वार्निंग को इग्नोर नहीं करना चाहिए था। तब क्रैकन उसे बचने का एक रास्ता बताता है कि तुम्हें मेरे दोस्त नेथन को ढूंढना होगा जो असल में एक जॉइंट वेल है और वो ये चट्टान पलक झपकते ही हटा देगा। लेकिन क्रैकन को उसके ठिकाने के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और वो बस इतना जानता है कि लास्ट टाइम उसे इंसानों की बस्ती में देखा गया था। डीप ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि वो मदद लाए बिना वापस नहीं आएगा। क्रैकन आगे बढ़ने के लिए उन्हें कुछ लैंडमार्क्स देता है और वो तीनों अपनी जर्नी पर निकल पड़ते हैं। पहली बार इतना बड़ा समुद्र देखकर डीप को बहुत खुशी होती है और वो कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि यहाँ डरने जैसी कोई चीज नहीं है। आगे उन्हें कोरल रीफ की एक दीवार मिलती है और उसके फ्रेंड्स को लगता है कि उन्हें शायद इसके साइड से निकलना चाहिए, लेकिन डीप उनकी एक नहीं सुनता और जबरदस्ती उन्हें उसके अंदर ले आता है। वहाँ कुछ टनल से होते हुए वो बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि सामने एक बहुत बड़ा शिप खड़ा हुआ है, ठीक वैसे ही जैसा कि क्रैकन ने बताया था। क्यूरियस होकर वो उसे अंदर से चेक करने जाते हैं और यहाँ उनका सामना नॉर्मा नाम की एक वैम्पायर स्क्विड से होता है जो खुद को एक बहुत बड़ा सिंगर मानती है। एलिस उससे इंसानों की बस्ती तक जाने का रास्ता पूछती है और नॉर्मा बताती है कि मैंने कई साल इंसानों के बीच में ही गुजारे हैं, जहां मेरा अपना एक ग्लास का महल था और इंसान दूर दूर से मेरी परफॉर्मेंस देखने आते थे। डीप उसे वहां तक पहुंचने का रास्ता पूछता है, लेकिन नॉर्मा कहती है कि इतनी जल्दी तुम कहीं नहीं जा सकते क्योंकि अभी तो तुम्हें मेरी एक परफॉर्मेंस देखनी है, वरना मैं तुम्हें भी अपनी तरह एक वैम्पायर बना दूंगी। उन तीनों के पास भी और कोई चारा नहीं होता और नॉर्मा अपनी परफॉर्मेंस शुरू कर देती है। तभी डीप को एक आइडिया आता है और वो और उसके दोस्त नॉर्मा की झूठी तारीफ करने लगते हैं। फिर बातों ही बातों में वो उसे इंसानों की बस्ती का रास्ता पूछते हैं और नॉर्मा भी अनजाने में उन्हें सब बता देती है कि वहाँ का रास्ता एक ब्रॉडवे स्ट्रीट से होकर निकलता है और फिर उन्हें एक ब्रिज क्रॉस करना होगा। डीप और उसके दोस्त ये जानकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और नॉर्मा को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो उन्हें पकड़ने उनके पीछे जाती है, लेकिन वो उसे चकमा देकर वहाँ से भाग निकलते हैं और नॉर्मा कहती है कि मुझे तुम्हारे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे पास ऑडियंस की कोई कमी नहीं है।
आगे वो तीनों एक गार्बेज डंप में आते हैं, जहां मोरा नाम की इल डिप को पकड़ लेती है और कहती है कि मैं काफी टाइम से अपने खाने का वेट कर रही थी। डीप उसे वॉर्न करता है कि मेरे दोस्त मुझे बचाने आते ही होंगे और ये सुनकर मोरा एकदम से उदास हो जाती है। पता चलता है कि यहाँ उसका कोई दोस्त नहीं है और इसीलिए वो अपना सारा वक्त यूं ही अकेले ही बिताती है। एलिस और ईवो डीप को यहाँ से निकलने को बोलते हैं और उनके मना करने के बावजूद डीप मोरा को अपने प्लान के बारे में सब बता देता है। मोरा अपने बिहेवियर के लिए उनसे माफी मांगती है और कहती है कि मैं इस ट्रिप में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। एलिस और ईवो डीप को बहुत समझाते हैं, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनता और कहता है कि मैं अपने डिसीजन को नहीं बदलने वाला। यही एक सीन में हम उनकी केव को देखते हैं, जो टूट कर नीचे लावा में गिर रही है और क्रैकन को लगता है कि शायद डीप टाइम पर वापस नहीं आ पाएगा। उधर डीप और उसके दोस्त एक जगह आराम करने लगते हैं, लेकिन पता चलता है कि मोरा गलती से उन तीनों को निगल गई है। बड़ी मुश्किलों से वो उन्हें वापस बाहर निकालती है और डीप अपने दोस्तों से कहता है कि ये शायद उसने गलती से किया था और हमें मोरा को एक और मौका देना चाहिए। ये कहकर वो अपनी जर्नी पर आगे निकल जाते हैं और जल्दी ही उन्हें वो ब्रिज नजर आता है जिसके बारे में नॉर्मा ने बताया था। वहाँ उन्हें ब्रॉडवे का साइन भी दिखाई देता है और वो समझ जाते हैं कि हम एकदम सही रास्ते पर हैं। फिर वो लोग उस ब्रिज को क्रॉस करने की सोचते हैं, लेकिन देखते हैं कि कुछ क्रैब्स ने उन्हें घेर लिया है, जिनका लीडर रिको नाम का एक येती क्रैब है। डीप उन्हें अपने मिशन के बारे में बताता है, लेकिन रिको कहता है कि मेरे इलाके से कोई जिंदा वापस नहीं जा सकता और अगर तुम बचना चाहते हो तो तुम्हें हमें डांस के लिए चैलेंज करना होगा। ये सुनकर एलिस आगे आती है, जिसे सिंगिंग और डांसिंग का बहुत शौक है, और उसके और रिको के बीच एक मुकाबला शुरू हो जाता है। रिको उसके मूव्स देखकर बहुत इम्प्रेस होता है और ऐसा लगता है जैसे वो उसे पसंद करने लगा है। वो एलिस से यहीं अपने पास रुकने को कहता है, लेकिन एलिस उसे समझाती है कि वो इस तरह अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ सकती और उससे वादा करती है कि मैं तुमसे मिलने वापस जरूर आऊंगी। वहाँ से निकलकर वो न्यूयॉर्क सिटी में आते हैं, जो पूरी के पूरी पानी में समाई हुई है और उन्हें लगता है कि नेतन भी इन्हीं में से किसी एक बड़ी बिल्डिंग में रहता होगा। वो ऐसी एक बिल्डिंग को चेक करने जाते हैं, जहां उनका सामना बड़े बड़े इंसानी पुतलों से होता है और हमेशा की तरह डीप यहां भी उन सब के लिए मुसीबत खड़ी कर देता है। किसी तरह बचते हुए वो उस बिल्डिंग से बाहर आते हैं और आगे उन्हें एक सबवे स्टेशन नजर आता है। यहां उन्हें बंद पड़ी एक मेट्रो कार दिखाई देती है और डीप कहता है कि वो इसकी फोटो पहले देख चुका है और ये उन्हें तेजी से सिटी में कहीं भी ले जा सकती है। वो चारों उस मेट्रो में सवार हो जाते हैं और डीप के लीवर खींचते ही वो चलने लगती है। जल्द ही उसकी स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है और उसके क्रैश होने से पहले ही वो चारों तैरकर वहाँ से बाहर निकल आते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये एक रेडिएशन जोन है और उसे इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी फिश उन पर अटैक कर देती है। वो चारों भागते हुए एक कंटेनर में आते हैं, जिसके सामने एक नेट लगा हुआ है और डीप बड़ी चालाकी से उन ज़ॉम्बीज को उस नेट में कैद कर लेता है। उसके दोस्त उसे यहाँ से वापस चलने को कहते हैं, क्योंकि वो कदम कदम पर उनकी जान खतरे में डाल रहा है, लेकिन डीप कहता है कि मैं मदद लिए बिना वापस नहीं जाऊंगा और ये कहकर वो वहाँ रखे कुछ ड्रम्स को हटा देता है। इससे पानी का प्रेशर उन्हें सिटी से बाहर ले आता है और वो वहाँ एक अंडर वाटर सी स्ट्रॉम में फंस जाते हैं। पता चलता है कि ये उन्हें सिटी से बहुत दूर ले आया है और ये देखकर उन्हें डीप पर बहुत गुस्सा आता है कि उसे इस तरह अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए। वो उस पर लापरवाह होने का इल्जाम लगाते हैं कि वो आने वाले खतरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता और ना ही अपनी टीम पर ट्रस्ट करता है और उसी की वजह से वो सिटी और नेथन से बहुत दूर आ गए हैं। डीप मोरा से उन्हें समझाने को बोलता है, लेकिन वो भी उसके दोस्तों की ही साइड लेती है और कहती है कि तुम्हें बाकियों के साथ मिलकर फैसले लेने चाहिए। तभी वो ऊपर एक हैच को खुलते हुए देखते हैं, जिसमें से तीन एनिमल्स निकलकर उन्हीं की ओर आ रहे हैं। एक पेंगुइन आगे आकर उनका वेलकम करता है और बताता है कि तुम इस वक्त R3 नाम के एक स्पेसशिप के पास हो, जिसका कैप्टन मैं हूँ यानी डार्सी, और ये लुइजी नाम का वॉलरस हमारा सिक्योरिटी हेड है और ये डॉल्फिन है हमारा चीफ साइंटिस्ट राल्फ। डीप और उसके दोस्त उन्हें देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं और बताते हैं कि हम यहाँ नेथन नाम के एक वेल को ढूंढने आए हैं। ये सुनकर राल्फ एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन डार्सी उसे कुछ नहीं बोलने देता और कहता है कि वैसे तो हम ऐसे किसी वेल को नहीं जानते, लेकिन इस स्पेस शिप में एक सोनार सिस्टम लगा हुआ है जिससे तुम अपने दोस्त को ढूंढ सकते हो। वो उन्हें अपने साथ अंदर आने को कहता है और ऐसा लगता है जैसे उसके इरादे बिल्कुल ठीक नहीं है।
आगे वो राज से उन्हें शिप का टूर देने को कहता है और वो चारों उसके पीछे कंट्रोल रूम में आ जाते हैं। वहाँ वो आर्क प्रोजेक्ट की एक वीडियो देखते हैं जिसमें एक साइंटिस्ट बताता है कि हमने रहने के लिए एक दूसरा प्लेनेट ढूंढ लिया है और सभी इंसान आर्कन नाम की शिप से वहाँ के लिए निकल चुके हैं। उसके पीछे ही हमारा आर्क टू शिप है जो जमीन पर रहने वाले एनिमल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है और तीसरा और आखिरी शिप है आर्क थ्री जिसे हमने सी एनिमल्स के लिए बनाया है। इन एनिमल्स को शिप पर लाने की जिम्मेदारी तीन क्रिएचर्स को दी गई है जिनका इंटेलिजेंस लेवल बाकी एनिमल से कहीं ज्यादा है और ये सभी एनिमल्स को फ्रीज करके लाने वाले हैं ताकि वो इस लंबी जर्नी को पूरा कर सके। उधर लुइजी डार्सी से कहता है कि हमारा शिप तो वैसे ही ओवरलोड हो रहा है तो फिर इन एनिमल्स को यहाँ लाने की क्या जरूरत है। इस पर डार्सी उसे बताता है कि ये चारों भी हमारी तरह काफी इंटेलिजेंट लगते हैं और ऐसे ही एनिमल्स की मदद से हम नए प्लेनेट पर इंसानों की बराबरी कर सकते हैं। इधर डीप और उसके दोस्त देखते हैं कि शिप के लॉन्च होने में बस एक ही घंटा बचा है और डीप उन्हें अपने मिशन के बारे में याद दिलाता है। तब डार्सी लुइजी से उन्हें सुनार रूम में ले जाने को कहता है और खुद मोरा को भड़काने लगता है कि डीप तुम सबको यहाँ मरने के लिए लाया है और सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम लोगों की जान बचा सकता हूँ। मोरा भी उसकी बातों में आ जाती है और डार्सी उसके साथ मिलकर डीप और उसके दोस्तों को एक रूम में कैद कर देता है। मोरा उन्हें समझाती है कि ये सब मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए किया है और नए प्लेनेट पर तुम मुझे थैंक्स बोलने वाले हो। रूम में उन तीनों का सामना नेथन से होता है जिसे खुद भी डार्सी ने बंदी बनाया हुआ है और वो उसे बताते हैं कि क्रैकर ने हमें यहाँ तुम्हें ही ढूंढने भेजा था। तभी अचानक शिप के इंजन शुरू हो जाते हैं और टेक ऑफ में अब बस आधा घंटा बचा है। वो नेथन से अपनी ताकत यूज करने को कहते हैं ताकि वो उन्हें यहाँ से बाहर निकाल सके, लेकिन डार्सी को उनके प्लान का पता चल जाता है। मोरा भी नेथन को यहाँ देखकर बहुत हैरान होती है और समझ जाती है कि डार्सी ने उन लोगों से झूठ बोला है, लेकिन अब वो अपने दोस्तों के लिए कुछ नहीं कर सकती। फिर डार्सी नेथन के सेल का फ्रीज बटन एक्टिवेट करता है जिससे एक मशीन उनके सेल को फ्रीज करने लगती है और नेथन कहता है कि अब वो यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। डीप भी ये सुनकर उदास हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि ये सब शायद उसी की गलती है और वो अपने दादाजी की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। एलिस उसे खुद पर भरोसा रखने को कहती है और बताती है कि चाहे तुम कितने ही सेल्फिश क्यों ना हो, लेकिन कई बार तुम्हारे आइडियाज कमाल के होते हैं। इस पर डीप कहता है कि इस बार मैं अपना नहीं बल्कि अपनी टीम का आइडिया सुनना चाहता हूँ और तभी वो उन्हें एक आइडिया देता है। वो लोग फ्रीज मशीन को डिसेबल करने की सोचते हैं, जहाँ एलिस अंदर जाकर कंट्रोल पैनल को खोलती है और ईवो उसके इलेक्ट्रिक सर्किट्स को जैम कर देता है क्योंकि एंगुलर फिश होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी का उस पर कोई असर नहीं होता। इससे वो मशीन बंद हो जाती है, लेकिन नेथन बताता है कि अभी भी हमारे पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तब वो एक सीसीटीवी के थ्रू मोरा से बात करते हैं जो शिप के कंट्रोल रूम में बैठी है और डीप उससे अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। मोरा उनके निकलने के लिए एक वेंट खोलती है और डीप नेथन से प्रॉमिस करता है कि जल्द ही वो उसे बाहर निकाल लेंगे। वहाँ से वो सारे कंट्रोल रूम में आते हैं जहाँ उनकी और डार्सी के टीम के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। डार्सी अपने गन से डीप को फ्रीज करने की कोशिश करता है, लेकिन नेवो बीच में आकर उसे बचा लेता है और खुद फ्रीज हो जाता है। फिर डीप मोरा की मदद से डार्सी को भी फ्रीज कर देता है और यही हाल वो राल्फ का भी करते हैं। लुइजी गुस्से में उन पर अटैक करने आता है, लेकिन वो एक सेफ्टी पोर्ट की मदद से उसे दूर भेज देते हैं। तभी अचानक वो शिप लॉन्च हो जाता है और बाकी एनिमल्स के साथ साथ वो चारों भी स्पेस में जाने लगते हैं। एलिस हड़बड़ी में कंट्रोल्स के सारे बटन दबा देती है जिससे शिप के फ्लडगेट्स खुल जाते हैं और वो चारों और सारे एनिमल्स नीचे समुद्र में गिर जाते हैं। पानी का टेम्परेचर सभी एनिमल्स को डीफ्रीज कर देता है और वो देखते हैं कि नेथन और ईवो भी एकदम सही सलामत हैं। ये देखकर वो सब बहुत खुश होते हैं और नेथन कहता है कि अब हमें जाकर क्रैकन की मदद करनी चाहिए। उधर केव की हालत बहुत खराब है और क्रैकन को लगता है कि अब उनके बचने की कोई चांस नहीं है। तभी उसे डीप की आवाज़ सुनाई देती है जिसके साथ नेथन भी है और ये सुनकर क्रैकन खुश हो जाता है। फिर नेथन उस चट्टान को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी जगह से मूव नहीं हो पाती और वो बताता है कि जरूर इसके नीचे कुछ अटका हुआ है। तब डीप और उसके दोस्त उस रुकावट को हटाने जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ बीच में एक छोटा सा पत्थर अटका हुआ है। उसे हटाकर बाकी तीनों तो वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन डीप उस होल के अंदर ही फंस जाता है। इधर नेथन भी उस बड़ी चट्टान को मूव कर देता है जिससे क्रैकन और केव के बाकी एनिमल्स बाहर आ जाते हैं।
उन्हें लगता है कि शायद उन्होंने डीप को खो दिया है, लेकिन तभी एक होल से डीप बाहर निकल आता है और ये देखकर वो सब रिलैक्स फील करते हैं। क्रैकन को डीप पर बहुत प्राउड फील होता है और डीप उसे बताता है कि बिना अपनी टीम की मदद के वो ये नहीं कर पाता। फिर क्रैकन रिटायर होकर नेथन के साथ घूमने निकल जाता है और मोरा सबको बताती है कि हमें समुद्र में अपनी प्रजातियों को फिर से बढ़ाना होगा। डीप को लगता है कि उसके पास तो ऐसा कोई पार्टनर नहीं है और तब मोरा उसे एक फीमेल ऑक्टोपस से मिलवाती है और डीप की लव लाइफ भी शुरू हो जाती है। एंड सीन में हम डार्सी और उसके दोस्तों को देखते हैं जो आर्कटिक ओशन में मदद के लिए चिल्ला रहे हैं और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।